अरे भाई, सुबह का मौसम इतना सुहाना हो और बारिश भी हल्की हल्की हो रही हो तो फिर दिल करता है कि घर में नहीं बल्कि बाहर किसी अच्छी जगह पे जाके जो है वो नाश्ता किया जाए। तो हमने चूज़ किया है अपने करीब तरीन स्टेशन उस्मानिया रेस्टोरेंट के कि जहाँ पे हम जाके जो है नाश्ता करें। बेटा, उस्मानिया रेस्टोरेंट आए हैं हम और उस्मानिया रेस्टोरेंट के VIP फैमिली एंट्रेंस में भी हम दाखिल होंगे और वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या किस किस्म की सेटिंग है। जैसे फैमिलीज और भी आएंगे, आइए चलो चलो बैठो, आगे बढ़ाओ इनको। हाँ जी बेटा, तो इस वक्त नाश्ता जो है हमारे पास सर्व कर दिया है इन्होंने। चने का सालन है, अंडा ऑमलेट है, इसके अलावा देखिए आपको दिखाऊँ तंदूरी पराठे बनाए हैं, साथ में जो है ये लच्छे वाले पराठे हैं, पानी है। और अब हाथ जो है वो रुका नहीं जाएगा, तो लिहाजा हम फटाफट चलो नाश्ता करें। और साथ में जो है बेहतरीन किस्म की चाय भी है, चाय भी ज़रा आप चाय। और ये बेगम साहिबा ने जो है वो घर का अचार भी साथ में ले लिया है। गजब, क्योंकि बेगम साहिबा जहाँ जाती हैं वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी वैरायटी साथ में ले लेती हैं। तो अब हम खाते हैं, क्या कहती हैं बेगम साहिबा? मिक्स कर लें अचार, ये आगे जरा चने का सालन, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके जो है वो अब आपको बताते हैं कि उस्मानिया के लिए चने का सालन कैसा है। और ऑमलेट ऑमलेट को भी हम फोड़ेंगे, ऑमलेट के साथ अगर मिर्ची ना हो ना तो खाने में मज़ा नहीं आता। हरी मिर्च जो है इसमें बहुत ज़रूरी है, वैसे तो टमाटर भी होने चाहिए, लेकिन बार अभी हम ये भी यूज़ नहीं। बस अब जिंदा करके जो है बाकी मेम्बर्स को मैं दावत दूंगा कि वो आए और नाश्ता शुरू करें। मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। नाश्ता जो है इसी तरीके से नाश्ता कर लिया, क्योंकि सुबह जब निकले हुए थे तो मौसम बहुत अच्छा था और इनफैक्ट पेट में जो है वो चूहे जो है वो दौड़ रहे थे। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हमें नाश्ता अच्छा मिल गया, रिजनेबल नाश्ता जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह खाया है। टेस्ट के हवाले से अगर देखूँ तो मैं इसको जो जो मार्क्स दूंगा 10 out of 2 जो है वो 7 दूंगा मैं आपको, ठीक है ना? तो आप क्या कहते हैं, 10 out of 10 मैंने दिए, आप क्या देंगे? 10 out of 8। ओवरऑल जो है वो नाश्ता अच्छा था, सर्विसेज भी अच्छी हमें मिली और घर के अचार ने जो है वो उसका जो है मज़ा और दुबाला कर दिया। आप लोग भी अगर बहरिया अगर आना होता है तो उस्मानिया रेस्टोरेंट को ज़रूर ट्राई करें, और यहाँ आपका नाश्ता अच्छा है, सर्विसेज भी अच्छी हैं। अब मिलते हैं किसी और भी से ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।